लाहौर में सस्ती सब्जी फरोख करने वाले सब्जी फरोश के खिलाफ एक नहीं दो मुकदमा दर्ज किए गए। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जी जहांगीर, लाहौर में सस्ती सब्जी बेचना महंगा पड़ गया है सब्जी फरोश वकास को, जिनके खिलाफ जिले इंतजामिया के इस्तगासे पर थाना रायवंड में सस्ती सब्जी बेचने पर मुकदमा दर्ज किया गया है और ये मुकदमा 14 जून को दर्ज किया गया था। इस बारे में वकास से जानते हैं। मैं मंडी से सस्ती सब्जी लेता हूँ, जिमीदार से डायरेक्ट सब्जी लेता हूँ और नगद सब्जी लेता हूँ, इसलिए मुझे सस्ती सब्जी मिलती है और मैं आगे भी सस्ती सब्जी फरोख्त करता हूँ। पैसे को रिश्वत का मुतालबा भी किया जी? रिश्वत का मुतालबा किया था। पहले मैंने इनको 10,000 रुपया दिया और उसके बाद रमज़ान में ये फिर लेने आया, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मुझे इतनी प्रॉफिट नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने इनको इनकार कर दिया कि अभी गर्मी है, मेरी सब्जी ख़राब भी हो जाती है, मैं आपको रिश्वत नहीं दूँगा। तो इस सिलसिले में इन्होंने कहा कि आप इधर कारोबार नहीं कर सकते सर, इसलिए मैंने इनको इनकार कर दिया और इन्होंने मेरा पर्चा देना शुरू कर दिया और मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। मेरी वज़ीर आज़म से अपील है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। वकास का ये कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर का अमला इनसे 10,000 रुपये महाना रिश्वत का मुतालबा करता था, ये वकास का इल्ज़ाम है। डीसी लाहौर ने भी इस वाक़े का नोटिस लिया है और उनका कहना है कि मामले की इंक्वायरी जारी है, अगर कोई इसमें मुलविस पाया गया तो उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।